दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप लोग को अंजनी जी के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरे किचन में बनने जा रहा है सूजी का ढोकला, एकदम गांव देहात के तरीके से और स्पॉन्ज और नरम एकदम ब्रेड की तरह हम बनाएंगे सूजी का ढोकला। तो चलिए सूजी का ढोकला बनाने के लिए चलते हैं किचन में। और सूजी का ढोकला बनाने से पहले वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आइए सूजी का ढोकला बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी का ढोकला बनाने के लिए हम अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा तैयार करेंगे। तो हम सिल्वर पर पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अदरक और मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लिए हैं तो हम उठा लेते हैं। अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना लिए हैं तो फाइनली जो हम ढोकला बनाएंगे तो ढोकला बनाने के लिए ये बारीक हम सूजी ले लिए हैं एक कटोरी के हिसाब से, आप अपना हिसाब से ले सकते हैं। हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हम ये दही ले लिए हैं, दही डालेंगे। उसके बाद हम ये चीनी डालेंगे हल्का, हम आधा टीस्पून चम्मच हम खावर सोडा डालेंगे हल्का, हम नमक डालेंगे। इसको हम ज्यादा पतला नहीं रखेंगे। ढोकला बनाने के लिए जो हम सूजी और दही लिए हैं और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, नमक और खावर सोडा को हम अच्छी तरह से चीनी डाल के जो मिक्स कर लेंगे 5 मिनट तक, इसको हम इसी चम्मच से मिलाते रहेंगे। तो जो होगा सो पूरा एक रंग हो जाएगा, इसमें गांठ नहीं होना चाहिए। और हम ये बैटर को ज्यादा हम पतला ना ज्यादा गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे, इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो हम इसको 15 मिनट तक हम ढक देते हैं। जब तक ये 15 मिनट तक मेरा बैटर सेट होगा तब तक हम चूल्हा जला के उसमें कढ़ाई चढ़ा के पानी गरम करेंगे। सूजी का ढोकला बनाने के लिए हम चूल्हा जला चुके हैं और सूजी का ढोकला बनाने के लिए हम पहले पानी गरम करेंगे। हम डाल दिए है, स्टैंड है तो आप स्टैंड में बना सकते हैं डाल के। मेरे पास स्टैंड नहीं था, हम कटोरी के सहायता से हम ढोकला बनाएंगे सूजी का। तो हम इसमें कटोरी डाल देते हैं। हम इसमें पानी इसलिए डाल दिए हैं ताकि ये कटोरी जो है घूमे नहीं कढ़ाई में। अब हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट तक ले। हो गया सूजी का ढोकला बनाने के लिए जो हम बैटर को सेट होने के लिए रखे थे। तो मेरा ये 10 मिनट हो गया है, बैटर देखिए बैटर सेट हो गया है। तो हम इसमें इनो डालेंगे। तो हम इनो ले लिए हैं तो हम इनो डालेंगे इसमें। इनो डालने के बाद हम हल्का इस पर पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। जो सूजी जो है अच्छी तरह से फूल कर देखिए किस तरह से तैयार हो गया है। हम ज्यादा देर तक इसे नहीं मिलाएंगे। अब हम इस बॉल में बनाएंगे, एक आप कोई भी आकार के बर्तन में बना सकते हैं। हम इसमें बनाएंगे। इसमें बनाने से पहले इस पर हम तेल लगा लेंगे। लगा दिए तो ये बैटर तैयार हुआ था, हम इसमें डाल देंगे। इसको हम मिलाना नहीं है, बस देखते हैं मेरा पानी गर्म हुआ है कि नहीं। पानी है जब बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो हम इसमें डाल देंगे। इसका डालने के बाद हम ढक्कन से ढक देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे पानी के भाप में। ये मेरा जो सूजी का ढोकला है जो सीझेगा कम ताव में, इसे हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अगर हम देखेंगे इसमें से जो भाप निकल रहा है अगर साइड से, तो हम ताव को थोड़ा कम धीमा कर देंगे और फिर तेज करके इसी कम तेज और कम में हम इसे पकाना है 15 मिनट तक। 15 मिनट हो गया है तो हम ढक्कन हटा के देखते हैं कि मेरा ढोकला बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम ढक्कन हटाते हैं।
देखिए मेरा ढोकला जो है सूजी का कितना अच्छा फूला है। हम इसका जो सीझा है कि नहीं हम चाकू से कट लगा कर देखेंगे। देखिए एकदम चिकना है चाकू, इसका मतलब मेरा ढोकला सीझ के तैयार हो गया है। तो हम ढोकला को उतार लेते हैं और 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे, उसके बाद बच्चे सबको खिलाएंगे। 5 मिनट हो गया है, ढोकला ठंडा हो गया है, तो हम कांच चाकू के मदद से हम कांच में इसका कोर छोड़ा देते हैं इस तरह से। इसके छोड़ने के बाद हम इसमें पलट लेंगे, ऐसे थप थपा देंगे। देखिए मेरा ढोकला कितना अच्छा एकदम सॉफ्ट हुआ है। दोस्तों जब तक ढोकला ठंडा हो रहा है इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। तो ये करछी ले लिए हैं, करछी को हम इसमें दिखाते हैं। करछी में हम तेल डालेंगे, गरम हो गया है तो हम पीला सरसों डालेंगे, तो थोड़ा चटकने देंगे, साथ ही डालेंगे हम मिर्ची। मिर्ची हल्का जल गया है तो हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता को हम ज्यादा नहीं जलाएंगे। हम तड़का डाल दिए हैं तो चलिए हम इसमें कट लगाते हैं। देखिए मेरा जो ये सूजी का है ढोकला, कितना स्पंजी और टेस्टी बना है, एकदम सॉफ्ट रुईया के तरह, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में कितना अच्छा, एकदम जाली जाली तो के तरह सॉफ्ट हुआ है ये ढोकला मेरा, बहुत ही टेस्टी और ना देखने में लग रहा है तो खाने में तो बहुत अच्छा। आपको तो बहुत जल्दी खाने का मन कर रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बच्चा लोग को खिलाएंगे क्योंकि बच्चा लोग का फरमाइश का ही हम डिश बनाते हैं। मेरे घर में 8-10 बच्चे हैं, तो चलिए हम बच्चा सबको खिलाते हैं और बच्चा सब बताएंगे। बच्चा सबको देते हैं खाने के लिए। ढोकला बनाने का तरीका पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर और एक लाइक जरूर करिएगा। आप मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ, तब तक